वहीं झारखंड में बढ़ रही नक्सली हिंसा पर कई विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। नक्सल समस्या निश्चित रूप से है, ये हमारे लिए बहुत, हम समझते हैं कि इस राज्य के विकास का काफी बाधा है और नक्सल को साफ करने के लिए निश्चित रूप से कार्य योजना बननी चाहिए और साथ में नहीं गिरफ्तारी तो ठीक है लेकिन एक सामाजिक समस्या भी है, उस सामाजिक समस्या को भी उस चीज को सरकार को ध्यान में रखने की जरूरत है। नक्सल पनप रहे हैं, नक्सल आज बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह को भी ढूंढने की जरूरत है। देखिए खात्म कह सकते हैं आप, वो तो उनका अप एंड डाउन चलते रहता है, अभी भी नक्सल है, अभी भी चीजें हैं, उन चीजों की खात्मा की जरूरत है। क्या लग रहा है? देखिए घटनाएं घटती हैं, अभी भी ऐसी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, दब जाती हैं किसी खास समय में परिस्थिति के अनुसार, वो उभरे नहीं आगे, उन पर नियंत्रण रहे, ये प्रयास तो हमको हमेशा ही करना पड़ेगा। कोई एक सरकार खत्म करके कहे कि हमने खत्म कर दिया है, ऐसा होता नहीं। नई सरकार बननी है, उसको काम करने दीजिए और हमको लगता है निश्चित रूप से सरकार को इसकी संज्ञान में मामला संज्ञान उसको है। राज्य के मुख्यमंत्री भी इस पर काफ़ी संवेदनशील हैं, इस चीज़ों को देखेंगे और अभी तो जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो ही जा रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिन में ये बिल्कुल ये ठीक ठाक हो जाएगा, मैंने प्रयास मुख्यमंत्री जी का रहेगा और हमको लगता है कि जो नक्सल से संबंधित मामले हैं उसको राज्य स्तर से उसको निपटा लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद इसके मामले में काफ़ी गंभीर हैं। देखिए सरकार जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर तेजी से काम करेगी और इस बात का प्रमाण है कि हम उसके साथ कोई समझौता नहीं कर रही है सरकार और कार्रवाई तेज हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और जनभावना के अनुसार काम किया जाएगा इस सरकार में। नई सरकार से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि उग्रवाद को खास करके किसी भी हालत में उसे समझौता न करें और जितनी कड़ाई से हो सकता है उग्रवाद की समाप्ति के दिशा में पहल करें, उसे समाप्त करने के लिए काम करें। रघुवर दास जी ने निश्चित रूप से उग्रवाद को समाप्त करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ा नहीं था। पिछली सरकार कहती थी तो उन्होंने चुनाव में ही बता दिया, रघुवर दास जी कह रहे हैं खत्म हो गया और मोदी जी कह रहे हैं कि झारखंड में जो चुनाव आयोग कह रहा है 5 चरण में चुनाव होगा। सर आप तो जाहिर सी बात है सवाल उसकी नहीं है, नक्सलवाद भी इनके लिए कोई इशू नहीं है, अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने जो फायदा नहीं हो तो ये कहते नहीं है, उस चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमको नहीं लगता है इससे शांतिपूर्ण कोई चुनाव हुआ। सवाल वो नहीं है, सवाल जो जनता के एजेंडे हैं उस पर काम हो। देखिए नक्सलवाद स्वाभाविक रूप से खत्म हुआ था, 100% तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हुए थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि नक्सलवाद फिर सिर उठा रहा है। देखिए पिछली सरकार क्या बोला क्या नहीं ये तो सब हम जानते हैं और अभी का जो हमारे बीच में राज्य जिस स्थिति में है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र का सबसे पहले हम बेरोजगारी जो है, जो यहाँ का पलायन है, उसको रोकने का काम करेंगे।